ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे फाइनेंशियल फंक्शंस खुले हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं। देखिए फाइनेंशियल फंक्शन बेसिकली इस्तेमाल होते हैं किसी भी तरह का, इस तरह का मामला हो जब किसी बैंक से आप लोन ले रहे हो या आप खुद लोन दे रहे हो, तो उसकी इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त, उसका ड्यूरेशन, उसका टाइम पीरियड, उसका रेट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके हमने जो है लोन एंड अमाउंट के ऊपर क्लिक किया है जहाँ पर लिखा हुआ है समथिंग। हाँ जी जीशान, क्या हुआ, खैरियत? चैट में सर सही लिख दें, वॉइस पे बता दें। जीशान इज एवरीथिंग ओके? ओके तो यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस जो आ रहे हैं, लोन अमाउंट लिखा हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू लिखी हुई है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर आ गए। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारे सामने लिखा रहा है लोन अमाउंट। अब लोन अमाउंट मतलब इसको हम आम इंग्लिश में तो हम कह रहे होते हैं लोन अमाउंट यानी कि कर्ज़े की रकम, और उसको हम फाइनेंशियल टर्म में कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो लोन अमाउंट कह लें या प्रिंसिपल वैल्यू कह लें, बात एक ही है। इंटरेस्ट यानी कि जो कर्ज़े के ऊपर सूद दिया जाता है या लिया जाता है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। और ड्यूरेशन क्या होता है यानी कि कितनी किस्तें, कितने महीनों में वो कर्ज़ा वापस किया जाएगा। याद रहे यहाँ पे कम से कम भी 12 महीने का ड्यूरेशन होता है यानी कि जो बराबर होता है एक साल के। और तीसरी चीज़ आती है इंस्टॉलमेंट यानी कि हर महीने की किस्त जो उस कर्ज़ की मद में पे की जाएगी। तो अब हम इसमें करने ये वाले हैं कि हमें यहाँ पे सबसे पहले तीन चीज़ें एज अ डेटा के तौर पर दी गई हैं, यानी कि हमें लोन अमाउंट दिया गया है जो कि लिखा गया है तकरीबन 2 लाख रुपए। अब याद रहे इसको वैल्यू को जब भी आप किसी को कर्ज़ा देंगे तो उसको आपने माइनस लिख करके लिखना है, ठीक है। 3, 2, 5 और 1, 6, 2 लाख रुपये जो कि प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर की जा रही है, और इंटरेस्ट रेट उस पर 30% है और ड्यूरेशन उसका 60 मंथ्स का है। यहाँ पे पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला में जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फंक्शन है का टैब मिलेगा हमें, यहाँ पे फाइनेंशियल उसमें जाएंगे। इसमें से जो फंक्शन हमें चूज़ करना है वो फंक्शन है PMT जो हमें ये काम करके देगा। जैसे ही PMT फंक्शन पर हम क्लिक करेंगे तो ये इट विल आस्क फॉर द रेट एंड पर एंड PV। अब देखिए ये भी फंक्शंस के नाम ही हैं, लेकिन ये जो फंक्शंस के नाम आप देख रहे हैं मैंने इन्हीं के नाम से यहाँ पे लिख रखा है। रेट मींस दिस सेल, PV मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मींस दिस सेल, और क्या है फ्यूचर वैल्यू भी, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो रेट वाले सेक्शन में हम रेट वाले सेल का रेफरेंस कर देंगे यहाँ पर, और एनपर वाले सेक्शन में एनपर वाले इसका रेफरेंस कर देंगे यहाँ पर। प्रिंसिपल वैल्यू में हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू वाले सेल का रेफरेंस कर देंगे, ठीक है। हाँ यस यस, इसको अपलोड करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके हमने तीनों का रेफरेंस कर दिया है। तो रेट में हमने B5 और यहाँ पे एन पर में हमने B6 और फिर प्रिंसिपल वैल्यू में हमने B4 का भी यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है। उसके बाद हमने करना सिर्फ ये है कि क्योंकि मैंने आपको बताया था मिनिमम 12 मंथ के ऊपर ये अप्लाई होता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो जैसे ही डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से मामला नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको ज़रा देख ले, मैं आपको मैग्नीफायर पे जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ वैल्यूज़ को आपने ऐसे पुट अप करना है इसके अंदर, ये हमारा मैग्नीफायर लोड हो जाए, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए B5 इस सेल का रेफरेंस है, एन पर वाले सेल का रेफरेंस B6 है, और जबकि प्रिंसिपल वैल्यू वाले सेल का रेफरेंस B4 है, और B5 इस वाले सेल का रेफरेंस है जिसमें 30% लिखा हुआ है। तो ये हमने करने के बाद जैसे इसको ओके करेंगे, और जैसे ही ओके करते हैं तो ये इसने जो वैल्यू हमें दी है 6,470 रुपीज़, ये हमारी पर इंस्टॉलमेंट है। मतलब इसने लोन लिया है 2 लाख रुपीज़ का जो कि 30% पे इसको मिला है या इसने दिया है, जिसको 60 मंथ्स में हमें रिटर्न करना है, जिसको बराबर होते हैं 5 ईयर्स, और इसके हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 6,470 रुपीज़ बन रही है। अब ये PKR कैसे आया, ये फॉर्मेट है, ये हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे, होम में जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, क्लिक करेंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे करेंसी के ऊपर, और करेंसी में हमें यहाँ पे सिंबल मिल जाते हैं दुनिया भर की करेंसी के।
वैसे शुरू में ये नन होता है, इसको ओके करेंगे तो ये इस तरह से नज़र आ रहा होता है। अगर आपको पाकिस्तान करेंसी शो करनी है, इससे पहले ज़रा हम देख लेते हैं, अगर डॉलर को शो करना है तो ये तो यही नज़र आ जाता है, डॉलर, यूरो, येन वगैरह सब यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। अगर पाकिस्तानी करेंसी शो करनी है तो करेंसी में जाना है और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और पी दबाना है। जैसे पी दबाएंगे तो पी जी पी मुख्तलिफ आएंगे, तो यहाँ पे पाकिस्तान करेंसी का जो सिंबल है, यानी कि जो उसका लोगो समझ लें, जो सिंबल है, इसको ओके करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली पी के आर ऐड हो जाएगा। और इस तरह किसी भी नंबर वैल्यूज़ के साथ पी के आर, US, INR, वो तो भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने इसको एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लिया जिसमें हम कर्ज़ा की रकम लिखेंगे, उसका रेट लिखेंगे और ये हमें उसकी किस्त खुद बताएगा। चलें अभी चेंज करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -5 लाख 12345 और इंटरेस्ट रेट 25% कर रहा हूँ और ड्यूरेशन 48 मंथ्स का कर रहा हूँ। तो देखिए मेरी किस्त बन रही है 16578 और इस तरह से ये खुद ही मुझे कैलकुलेट करके बताता रहेगा। अब आते हैं केस नंबर 2 पर, जिसमें हमें मालूम करना है फाइंड द इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर से हम इस वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो तीन तरह से मौजूद है। एक तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट मौजूद है, ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पर जो मौजूद है वो है नंबर ऑफ पीरियड, और तीसरा हमारे पास पेमेंट मौजूद है। अब हमें मालूम करना है रेट, तो यहाँ पर क्लिक करके हम जाएँगे कहाँ पर, क्लिक करेंगे और वही फाइनेंशियल फंक्शंस में जाके यहाँ से आप एक फंक्शन लेंगे जिसका नाम है रेट। तो जैसे ही रेट फंक्शन को हम यहाँ से लॉन्च करेंगे, RAT रेट फंक्शन, तो यहाँ पर हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा। एन पर में हम इसका ड्यूरेशन बताएंगे, पेमेंट में हम पेमेंट बताएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे और देन ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो गलत है, क्योंकि अभी फार्मूले में एक और प्रोसेस बाकी है। उस प्रोसेस को करने के लिए हमने यहाँ डबल क्लिक करना है, पूरे फार्मूला हमारे सामने नज़र आ जाएगा। देन एस्टारिक का साइन लगाना है, विच इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई, और आगे 12 लिख के एंटर कर देना है, और इस तरीके से ये हमें इंटरेस्ट रेट निकाल के दे देगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स कहता है उसने कर्ज़ा लिया है सपोज टू बी 50,000 रुपये, 12345, और उसने जो कर्ज़ा लिया है -50,000 लिख लूँ, और वो जो कर्ज़ा उसने लिया है, वो कर्ज़ा उसने लिया है 12 मंथ्स के लिए, और उसकी किस्त जो है वो कुछ बन रही है सपोज टू बी 2,000 रुपीज़, ज़्यादा हो गई, 1,000 रुपीज़। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सही वैल्यू पुट करते हैं। 2 लाख का जैसे हमने ऊपर लिखा था, इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 5 लाख का कर्ज़ा, 48 मंथ्स और किस्त बन रही है, तो मैं किस्त को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर जाके मैं इसको -5 लाख कर देता हूँ, 12345 कर देता हूँ, और यहाँ पर जाके 48 कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ों को पुट किया, मुझे ये वैल्यू लिखनी होगी 16,578, इंटर किया तो ये देखिए इसने मुझे बता दिया कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है 25% है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर हमने लिखा था। तो इस तरह से हम रेट भी मालूम कर सकते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की तरफ। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है कि ये मालूम करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको अभी हम ज़रा डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू में हो ये रहा होता है कि ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर पता है मिसाल के तौर पे कि इंटरेस्ट रेट 30% है, ड्यूरेशन 60 है और इसकी इंस्टॉलमेंट पर मंथ की 6,470 है, लेकिन हमें ये भूल गए कि वो कर्ज़े का टोटल रकम कितनी थी जो हमने ली थी, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है PV। तो यहाँ से हम आएंगे PV फंक्शन की तरफ, तो PV आज के लिए बनाओ PV फंक्शन पर आएंगे और यहाँ से रेट में रेट बताएंगे, एन पर में ड्यूरेशन बताएंगे और पेमेंट में पेमेंट बताएंगे, और फिर रेट को डिवाइड कर देंगे हम इसमें 12 से और ओके करेंगे। तो देखें इसने हमें ब्रैकेट्स के अंदर यानी कि नेगेटिव वैल्यू के तौर पे 2 लाख यानी कि हमें इसने रिटर्न कर दिया है। इट मींस कि इस तरीके से अगर हमारे पास ये तीन किस्म का डेटा है तो ये हम मालूम कर सकते हैं बाई यूजिंग PV फंक्शन। उसके बाद आते हैं फाइंड द पीरियड। अब फाइंड द पीरियड में क्या होगा कि अगर आपको ये पता है कि मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए का कर्ज़ा लिया है, 30% पर लिया गया था, 6,470 इसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, अब इसकी कितनी किस्तें हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए लिया गया है, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है एन पर। तो फाइनेंशियल फंक्शंस में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके एन पर फंक्शंस को लॉन्च करेंगे। जैसे हम यहाँ से एन पर फंक्शन को लॉन्च करेंगे, ये फंक्शन लॉन्च हो जाएगा। रेट में हम रेट बताएंगे, पेमेंट में हम पेमेंट बताएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में, सॉरी पेमेंट में गलत बता दिया, पेमेंट पे हमने बतानी है किस्त का अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे, और उसके बाद रेट को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमें बता रहा है 60 आंसर, विच इज़ करेक्ट आंसर,
कि इस वैल्यूज़ के ऊपर अगर हमने कोई कर्ज़ा लिया है तो वो 60 मंथ्स के लिए होगा। अब आते हैं फ्यूचर वैल्यू की तरफ। अब फ्यूचर वैल्यू में क्या होता है, इसमें जहन में रखना है कि आपके पास चार चीज़ों का होना लाजमी है, यानी कि वो अमाउंट जो कर्ज़ा आपने लिया है, प्रिंसिपल वैल्यू कितने परसेंट पे लिया था, कितने ड्यूरेशन के लिए लिया था और उसकी इंस्टॉलमेंट क्या है। इसमें हम मालूम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे जो कर्ज़ा 2 लाख रुपए लिया है जिसकी किस्त 6,470 रुपए है, जो 30% पे लिया गया है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो 60 मंथ्स का है, तो बिल आखिर उसके कितने पैसे टोटल रिटर्न करने होंगे विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के साथ कितने पैसे रिटर्न होंगे, फंक्शंस फाइनेंशियल फंक्शंस में जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन को लॉन्च करेंगे जिसका नाम है FV। जैसे इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे, रेट में हम रेट बताएंगे, एन पर में हम इसका ड्यूरेशन बताएंगे, पेमेंट में हम पेमेंट बताएंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू में, तो प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू के सेल का रेफरेंस देंगे। पर इसमें याद रखना है कि आपको एन पर को डिवाइड करना है 12 से और जैसे ही ये करके आप ओके करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आपने ओके करना है तो ये आपको बता रहा है 6,84,071 रुपये टोटल आप वापस करेंगे विद इन 5 ईयर्स। अगर अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करें तो फिर हमें यहाँ पर भी एक फंक्शन हमारा लगा हुआ है पेमेंट का। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 5 लाख रुपीज़, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 30% के साथ 35% कर देते हैं और ड्यूरेशन 24 मंथ्स का कर देते हैं, तो आप देखें किस्त बन रही है 29,259 की और जो कि टोटल अमाउंट रिटर्न होगा 2 ईयर्स के अंदर वो 8,42,419 होगा। चलें अब इसका हम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, सपोज 60 कर देते हैं, 36 कर देते हैं 3 ईयर्स के लिए तो देखें ये कहाँ पहुँच गया, और 48 कर देते हैं तो देखें ये कहाँ पहुँच गया, और 60 कर देते हैं तो जितना ड्यूरेशन मैं बढ़ाता जा रहा हूँ उतनी किस्त मेरी हल्की होती जा रही है लेकिन उतना रिटर्निंग अमाउंट मेरा बढ़ता जा रहा है। 5 लाख की जगह मुझे रिटर्न कितने करने होंगे, 20 लाख रुपीज़ रिटर्न करने होंगे विद इन 5 ईयर्स, जिसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट होगी 17,745 रुपीज़। तो इस तरह से आप फ्यूचर वैल्यू भी इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। फाइनली अब हम देखते हैं IPMT और PPT फंक्शन के बारे में और फिर अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। तो IPMT और PPMT फंक्शंस को करने से पहले हम यहाँ पर, मैं आपको ये चारों फंक्शन सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे। हमारे पास कर्ज़ा हमने लिया है 2 लाख रुपीज़ का 24 मंथ्स के लिए और 12 उसका जो है नंबर ऑफ पीरियड है, यानी कि 1 साल के लिए कर्ज़ा लिया गया, तो इसकी किस्त निकालने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर हम PMT फंक्शन को लॉन्च करेंगे, जो भी फंक्शन मैं एक दफ़ा यहाँ यूज़ कर लूँगा वो मुझे रीसेंट फंक्शन में नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से मैं PMT फंक्शंस को लॉन्च कर लेता हूँ। रेट में रेट बताऊँगा और यहाँ से एन पर मैं ड्यूरेशन बताऊँगा और यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू बताऊँगा और रेट को डिवाइड कर दूँगा किससे, 12 से। जैसे ओके करूँगा तो उसकी किस्त बन रही है 18,911 रुपीज़। अब मुझे मालूम करना है इसमें इंटरेस्ट पार्ट ऑफ पेमेंट कितना है, मतलब 18,911 रुपये में कितना हर महीने इंटरेस्ट जाएगा, सूद जाएगा। तो इसके लिए फंक्शन है मेरे पास इंटरेस्ट पार्ट ऑफ पेमेंट मालूम करने के लिए IPMT, जो कि आई सेक्शन में मिलने वाला है मुझे। तो IPMT इंटरेस्ट पार्ट ऑफ पेमेंट, जैसे इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से रेट में रेट बताऊँगा, पर में आपने लिखना है 1, क्योंकि आप एक इंस्टॉलमेंट पे मालूम कर रहे हैं, एंड पर में ड्यूरेशन बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू में आपने प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है और रेट को डिवाइड करना है 12 से और जैसे ओके करेंगे तो 4,000 रुपीज़ हर महीने इसके इंटरेस्ट में चले जाएंगे, प्रॉफिट में चले जाएंगे, जो इसके इस अमाउंट में से कम नहीं होंगे। अब मालूम करते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ पेमेंट, तो इसके लिए PPMT का फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ से हम जाएंगे PPMT, क्लिक करने के बाद हम रेट में रेट पे क्लिक करेंगे, पर में 1 लिखेंगे, यहाँ पे एन पर में हम इसका ड्यूरेशन बताएंगे और प्रिंसिपल वैल्यू में हम प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे और रेट को डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से और जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे तो ये 14,911 आंसर आ गया, जो कि ये वो रकम होगी जो इस 18,000 में से 14,911 रुपये 2 लाख रुपये में से हर महीने कम होंगे। मतलब इन दोनों को अगर आप सम करें तो 18,911 बनते हैं, 18,911 में से 14,000 रुपये हर किस्त में से कर्जे में से कम होंगे, यानी कि 2 लाख में से 14,000 रुपये हर महीने कम होंगे और 4,000 रुपये कॉन्स्टेंट प्रॉफिट में जाएंगे, वो इसका सूद के लें, प्रॉफिट के लें, इस तरह से होगा। फ्यूचर वैल्यू मतलब टोटल रकम कितनी रिटर्न करेगा, तो यहाँ से हम एक फंक्शन को दोबारा लॉन्च कर लेंगे जिसका नाम है FV। तो जैसे ही हम जाके क्लिक करेंगे फ्यूचर वैल्यू फंक्शन के ऊपर तो रेट में रेट बताएंगे, इन पर बताएंगे, ड्यूरेशन में और पेमेंट में पेमेंट बताएंगे और प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे और एन पर को डिवाइड करेंगे यहाँ से 12 में और जैसे ही उगे करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपको टोटल 2 लाख पे 2,29,088 रुपीज़ को आपने पे करना है। और अब यहाँ पे एक स्मार्ट कैलकुलेटर बन गया है, जो भी रकम आप यहाँ लिखेंगे फॉर कर्जे को बढ़ा के आप 5 लाख कर दें, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 लाख, ड्यूरेशन को बढ़ा के 36 मंथ कर दें,
और सॉरी 36% हमने इसका कम करके 20% कर दिया, ड्यूरेशन बढ़ा के 36 मंथ कर दिया। तो देखिए उसकी किस्त भी बना दी इसने और उसमें इंटरेस्ट पार्ट भी निकाल दिया, प्रिंसिपल पार्ट भी निकाल दिया और फ्यूचर वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करके देगा। तो इस तरह से आप इन फंक्शंस को यूज़ करके किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अपने एंड पर सॉल्व कर सकते हैं। और आप किसी बैंक में रिप्रेजेंटेशन हैं या आप खुद लोन लेते या देते हैं तो इस तरह से हिसाब करके आप अपने एंड यूज़र को या कंज्यूमर को कस्टमर को बता सकते हैं। तो अब यहीं पर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अब आप लोगों ने बना के फिर मुझे सेंड करना है।